वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ब्रह्मास्त्र ट्रेलर रिव्यू। बॉलीवुड तुमसे ना हो पाएगा। देखते हैं भैया इनको क्या देख के क्या फील हुआ और क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, कमेंट्स में आप भी बता रहे थे, हमने तो इतना क्लोजली नोटिस नहीं किया उस टाइम पर। एक कोई ऐसा सीन है जिसमें रणबीर कपूर जो है मंदिर में शिव जी के जूते लेके ऐसे कह रहे थे, आपके जूते लिए हुए, और वो मंदिर में जा घंटी बजा रहे हैं। भैया मैंने तो वो ध्यान नहीं दिया। तो आप कह रहे हो कि कुछ ना कुछ तो ये ऐसा करते ही करते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे अगर आपने ये कैच किया है, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो इन्होंने बनाते हुए इस टाइप के की हैं, तो बड़ा क्वेश्चनेबल बात होगी कि भैया ये कर क्या रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओम नारायण 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 नारायण, सब मित्रों को राम राम। तो दोस्तों, फाइनली आज 15 तारीख को ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा इसका टीजर भी रिलीज हुआ था, पर मैंने तब उस पर कोई वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर चुका था एक वीडियो में, तो वही सब बातें मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था। आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, करीब 3 मिनट का है, 2 मिनट और 52 सेकंड। सबसे पहले तो ट्रेलर देखने के बाद मैं एक ही शब्द मन में आया कि ना ना, कुछ जच नहीं रहा, कुछ जम नहीं रहा है। देखिए, कई बार कोई अगर कोई व्यक्ति कोई बड़े हृदय से भाव से हमें कोई बात बोलता है ना, तो उसके वो टूटे फूटे शब्द भी हमारे हृदय तक पहुंच जाते हैं, हम पर वो तुरंत प्रभाव डालते हैं। पर कई बार कोई व्यक्ति बड़े बड़े अलंकारों के साथ में, बड़े बड़े अच्छा शब्द प्रयोग करते हुए, वाक्य प्रयोग करते हुए, बहुत सुंदर एकदम विद्वानों वाली भाषा का उपयोग करते हुए कोई हमसे बड़ी कुछ बात कहता है, पर फिर भी वो बात हम पर असर नहीं कर पाती है। तो ये वाली जो ये ब्रह्मास्त्र जो फिल्म है, वो दूसरे कैटेगरी वाली फिल्म मुझे लग रही है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है। मतलब दिख रहे हैं हमें हनुमान जी एक सीन में दिख रहे हैं, और प्राचीन दैवी शक्तियाँ और ब्रह्मास्त्र और पंचमहाभूतों का उल्लेख वगैरह सब हमें दिख रहा है, पर कुछ फील ही नहीं हो रहा अंदर से, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कुछ लोग जो ये कुछ एक्सक्यूज़ ले रहे हैं ना कि भाई हॉलीवुड की फिल्मों के साथ इसकी तुलना मत करो, उनका बजट कितना होता है, हमारा बजट कितना होता है, ये सब बचकानी बातें हैं। मैं ना कोई इसी के साथ कोई तुलना कर रहा हूँ, और नहीं, तुलना करने की बात आती ही कहाँ से है। बात है कि वो कुछ फील ही नहीं हो रहा ना ट्रेलर में। आप अब आयान मुखर्जी ने इसके ट्रेलर रिलीज में जो बात कही, वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स द अस्त्रावर्स। अस्त्रावर्स इस नए सिनेमेटिक यूनिवर्स की शुरुआत करते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसे फिल्म होगी जिसे हर भारतीय, पूरे देश को गर्व होगा। आई बिलीव ब्रह्मास्त्र इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट द कंट्री वुड फील रियली प्राउड ऑफ। ये अपने जड़ों के साथ अपनी जड़ों को छूती है। इट टचेस ऑन आवर रूट्स, सेलिब्रेट्स आवर रिच कल्चर। अपने जड़ों को छूती है, रिच कल्चर को सेलिब्रेट करती है, ऐसी बातें उन्होंने कही है। सुपर हीरो टाइप। हालांकि इस पूरे ट्रेलर को देखकर ऐसा मुझे कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि भाई ये अपने जड़ों की तरफ जाने का प्रयास कर रही है फिल्म, या अपने रिच कल्चर को सेलिब्रेट कर रही है। सीरियसली कहीं पर भी नहीं लगा। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई हनुमान जी को आप एक सीन में दिखा देंगे, ब्रह्मास्त्र का उल्लेख कर देंगे, और लोगों को लग जाएगा कि भाई ये रिच कल्चर को सेलिब्रेट करती है, तो भाई सॉरी, माफ कीजिए, ऐसा मुझे कम से कम पूरे ट्रेलर में नहीं लगा। एक उदाहरण देता हूँ, देखिए मैं आपको, अमिताभ बच्चन एक फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक कैरेक्टर है, गुरु नाम है उनके पात्र का, गुरु। अब बताइए किस एंगल से वो गुरु लग रहे हैं, किस एंगल से, कहीं से भी लग रहे हैं गुरु। आज भी आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, तेलुगु फिल्मों में आज भी अभी के हाल ही के समय में आई हुई भी कई सारी फिल्में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अगर कोई गुरु उन्हें दिखाने होते हैं, संत उन्हें दिखाने होते हैं, तो हमारे जो सिंबल्स है, प्रतीक है हमारी संस्कृति के, उन्हें बड़े गर्व के साथ में वो दिखाते हैं, चाहे वो भगवा वस्त्र हो, तिलक लगाना हो, चोटी रखना हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, या जो भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो भी प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन्हें बड़े गर्व के साथ में वो दिखाते हैं। पर यहां पर आप देख लीजिए,
अमिताभ बच्चन और उनके साथ सामने कई सारे ऐसे लोग खड़े हुए हमें दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो पुरानी शक्तियों को बचाने का, मतलब दुनिया को बचाने का प्रयास करें। हाँ जैसे दो अच्छी ताकत बुरी ताकत वगैरह हॉलीवुड टाइप उन्होंने की दिखाई बात है, और है। अमिताभ बच्चन और उनके जो फॉलोअर्स वगैरह कुछ हमें दिख रहे हैं, या उनके साथ में जो भी लोग होंगे, वो उनने दुनिया को हॉरर बचाने का, मूवीज अच्छी में ऐसे देखा था ताकतों जब डेमन्स को, अच्छी डूमन्स शक्तियों क्या करते को हैं। एक साथ लाने का कुछ वो प्रयास कर रहे हैं, और इसे वो आकाश की तरफ हाथ कर रहे हैं, और कुछ ऐसा ऊपर से कुछ ऐसी वो शक्तियां हॉलीवुड खींच टाइप रहे हैं, का पता नहीं वो वो क्या था। वो कोई प्राचीन शक्तियों को या हमारी प्राचीन भारत से जुड़ी हुई कुछ शक्तियों को वो संजोने का प्रयास कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या उनको इकट्ठा एकत्रित कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। उल्टा उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में देखिए कुछ ऐसे कल्ट्स दिखाए जाते हैं, ऐसे कुछ हाँ, शैतानी, शैतानी, वही कुछ मैं कह ऐसे रही हूँ, कुछ वो देखे बुरी हमने मूवीज। ताकतें, हाँ, वो शैतानी, काली शैतानी, जादू, वो काला बुला जादू रही होती वगैरह, कुछ गंडों ऐसे को। कल्ट्स दिखाए जाते हैं, तो वो हाँ अमिताभ बच्चन और उनके वो जो फॉलोअर्स हैं ना, जो वो कोई अच्छी वैसी शक्तियों था को संजो कर रखने वाले तो नहीं लग रहे थे, वो कुछ कल्ट जैसा लग रहा था उनका। वो वो तो, वैसा वो कहाँ से आप सीन प्राचीन था। भारत, रिच कल्चर, रूट्स और जड़ों से जुड़ने की बातें कर रहे हैं, और कुछ दिख रहा है वैसा कुछ आपको? नहीं, वो तो नहीं, बाकी रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने इस उन्होंने पर कई बार बात क्या की हुई बोला है है देखिए, ब्रह्मास्त्र मैंने फिल्म के बारे में, जब भी कहा था मैंने कौन बात मैं की है, कब आदमी उनकी वो पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, देखा। चेहरा, उनका वो व्यक्तिमत्व सूट ही नहीं कर रहा इस मैंने कैरेक्टर भी के यही लिए, कहा, हम भी को यही फील हो रहा था। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। नहीं हो रहा बाकी आलिया भट्ट के बारे में तो कहना ही क्या। वो। हालांकि ये जो भी बॉलीवुड प्रेमी है, या शायद उनकी जो पीआर टीम है, या जो पपेट मीडिया आदि है, वो आलिया भट्ट को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया एक्ट्रेसेस में से एक कहते हैं। हालांकि ये बात कभी मेरे गले सुन के नीचे सकते हैं उतरी ना, नहीं, मुझे तो नहीं पता। और ना ही उसके पीछे का लॉजिक मुझे कुछ आज तक समझ में आया है, और इसी कारण से उस पर बात ना ही करें तो अच्छा है आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस या कैरेक्टर के बारे में। और रणबीर कपूर का शिवा का पात्र या आलिया भट्ट, उनके बीच में जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह वो तो दिखाई मुझे, है, वो तो ना मुझे तो नहीं जमा कुछ मुझे भी बिल्कुल नहीं भी। जमा। मैंने बोला था ना, बाकी जो बुरी ताकतें, मौनी रॉय और उनका पूरा जो एक क्या कहे ग्रुप जो दिखाया है, बुरी शैतानी ताकतों को वो इकट्ठा कर रहे हैं दुनिया पर राज करने के लिए, जो भी उनका जो भी उद्देश्य होगा, तो कहानी के दृष्टि से भी बहुत ही बचकानी लग रही है फिल्म। अभी देखिए नागार्जुना जी की ही शिवा द वो सुपर हीरो 2 ऐसी कुछ फिल्म हिंदी में उसका नाम है, मूल उसका नाम डमरुकू या ऐसा कुछ नाम है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी फिल्म में लग रहा है, अलग तो नहीं लग रहा मुझे कुछ। और वीएफएक्स की या विजुअल्स की बात करें तो वो तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे नागिन के सीजन 7 का मैं ट्रेलर देख रहा हूँ। मैंने तो देखा ही नहीं सीरियसली है, नागिन के सीजन 7 का ट्रेलर लग रहा था ये, पता ही नहीं। इतने चीप विजुअल्स भाई। इवन मुझे तो लगता है कि नागिन के जो मैंने कुछ ट्रेलर देखे हैं ना, वो भी इससे ज्यादा बेटर लग रहे थे शायद। वो एंडिंग में देखिए रणबीर कपूर ऐसा एक पहाड़ से, कुछ ऐसी चट्टान जैसा कुछ है, खाई जैसा, वहां से वो टूट रही है, रणबीर कपूर ऊपर आ रहा है, कितने चीप विजुअल्स, कितने चीप। और क्या आपने वीएफएक्स के नाम मुझे पर क्या बनाया विजुअल है ठीक फिल्म में, अच्छा लगा था, कुछ मैंने ऐसी कहा ये वो ऐसी कंपेयर कर रहे कलर्स हैं की लाइनिंग लाइनिंग बना दी आपने, हॉलीवुड हाँ से। लाइनिंग लाइनिंग ही दिख रही है पूरे ट्रेलर में। अब जैसे शुरुआत में जो नंदी है आप देखिए, वो आ रहे हैं और एक ट्रक को वो टक्कर मार रहे हैं नंदी। अब नंदी भी वो केवल लाइनिंग ही उन्होंने बनाई हुई है, कलर्स की लाइनिंग है। जितनी भी विजुअल्स है हम ट्रेलर में जो देख रहे हैं, बस ऐसे वो बस कलरफुल बना दिया है मुझे पूरी तो वो फिल्म को उन्होंने, नंदी नहीं, मुझे सेचुरेशन लगा था कोई इतना ज़्यादा बुल को बढ़ा दिख दिया रहा है, है, इतने मुझे डार्क बुल कलर्स का लगी थी, उन्होंने नंदी यूज़ किया लगी है। थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म के जो खराब विजुअल्स है ना, उन्हें छुपाने के लिए जानबूझकर ज़बरदस्ती उनका सेचुरेशन बहुत बढ़ा दिया है, ताकि जो खराब विजुअल्स है वो छुप जाए उसकी आड़ में। और पूरी फिल्म में बस वो कलर्स की लाइनिंग लाइनिंग ही बना दी है, जो भी उनको दिखाना था बस वो लाइनिंग लाइनिंग पूरे फिल्म में, वो ट्रेलर में हमें दिख रही है। अब जैसे अगर आपको नंदी दिखाना है, तो आप कुछ एक लाइव एक्शन फिल्म बना रहे हैं ना, तो कोई सच में कोई नंदी आप बना देते एनिमेशन का यूज़ करके, ग्राफिक्स का यूज़ करके, आप यहाँ पर बस लाइनिंग दिखा रहे हैं, मतलब वो रियल नंदी नहीं है, कुछ उसकी दिव्य आभा है शायद, और अगर वो दिव्य आभा है तो वो ट्रक को टक्कर कैसे मार रही है, मुझे तो और ट्रक को नंदी टक्कर लगी, मैंने मारना है तो तो भाई बोल रियल सोच के नंदी देखा वो था। होने चाहिए ना। चलो आप कुछ टाइम ट्रेवल करके 5,000 वर्ष पहले के महाभारत के समय से कुछ आप अस्त्र लेकर के आ रहे हैं, कुछ दैवी शक्तियाँ उस समय से आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, वो रियल है तो वो पता नहीं, कुछ वो लाइनिंग लाइनिंग देखना मुझे तो कम से कम कुछ कुछ बहुत क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग विजुअल्स, हिंदू कुछ वीएफएक्स कल्चर के मैंने अकॉर्डिंग देखा, ही कुछ नहीं है वो भी आर्टिकल्स में बनी है। लिखा है कि आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स,
भाई प्लीज मजाक तो मत करो यार इस ऐसे विजुअल्स को मुझे तो मंदिर आउटस्टैंडिंग पता ही नहीं वगैरह चले। कहकर। कुल मिलाकर मुझे तो कम से कम ये ट्रेलर हर प्रकार से डिसअपॉइंटिंग लगा, निराशाजनक लगा। बाकी दोस्तों आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स बताना अब आपको क्या लगता है, इन्होंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं तो इसमें से कुछ कुछ तो हमने भी शेयर किया था कि हमें लगा था कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का एक तो वो रोमांस जो था वो गड़बड़ लग रहा चॉइस था, ऑफ एक्टर्स या एक्टर्स एक्ट्रेस भी हमें लगा, और हमने कहा था कि जो साउथ के एक्टर हैं जिनकी आंखों में उन्होंने दिखाया था, और आप कह रहे थे कि वो नंदी का कर रहे हैं, गो नंदी का शायद आपने कहा था कि वो ही शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है, तो मैंने कहा था उनकी एक्टिंग जो है वो ही मुझे सबसे अच्छी लगी। एज फार एज अमिताभ बच्चन का भी उस टाइम मैं बोलना भूल गई थी, पर मुझे लगा था कि उनका लुक जो था बड़ा मॉडर्न सा डिफरेंट था। था, अजीब सा था, मतलब कुछ मेल मूवी के साथ जैसे आप दिखा रहे हो ब्रह्मास्त्र है शिव जी का वो कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि भैया नंदी दिखा रहे थे वो ट्रक के साथ, मुझे तो बुल लगा था सच बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कहां नंदी आए कहां हनुमान आए, मेरे को तो वही मुझे तो मैं तो RRR टाइप की सोच के वो देख रही थी कि विजुअल्स बहुत ही RRR के टाइप के मतलब सिमिलर लग रहे राइट, थे। देखिए पॉइंट ये है कि जैसे वो कह रहे हैं कि आप हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बॉलीवुड की किसी और मूवी से कंपेयर करिए, पहली बात तो ये। और ये दूसरी बात मैंने ये भी कहा था कि एक अच्छा अटेम्प्ट है बॉलीवुड में कि आप धीरे धीरे हॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने ग्राफिक्स लाए वेरी नाइस, वो ग्राफिक्स बेटर हैं देन एनी अदर बॉलीवुड मूवी, आप हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बात सही है क्योंकि उन वाकई उनका बजट बहुत ज्यादा होता है। और बजट की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात है, इसका टेक्नोलॉजी है, सदियों से चलाते आ रहे हैं, कंबाइन करके प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जो भी ट्रिक्स उनके पास है वो यूज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात होती है कि चॉइस ऑफ एक्टर्स, क्या जैसे मैंने एग्जाम्पल भी देता, अगर कोई आप दिखाते हट्टा कट्टा स्ट्रांग बंदा है, पावरफुल बंदा है, तो आप ये दिखा सकते हैं बचपन से स्ट्रांग है, पता नहीं क्यों स्ट्रांग है, फिर ऐसे स्टोरी लेके जा सकते थे। होता क्या है कि जो लोग बहुत ही अमीर होते हैं वो एक स्टोरी बनवाते हैं अपने बच्चों के अराउंड, राइट। दो तरीके से मूवी बनती हैं, एक है कि अमीर लोग हैं, अपने जमाने में वो एक्टर एक्ट्रेसेस थे, उनके पास बहुत पैसा है, वो देखते हैं कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, उनको आगे लेके जाना है, कैसे आगे लेके जाएं, तो एक मूवी बनाते हैं और उस मूवी में अपने सारे बच्चों को डाल देंगे या जो भी जान पहचान के लोग उनको डालेंगे उनके इस अराउंड। केस में तो दोस्तों दोस्ती हाँ, वालों ने जो भी इकट्ठे है, कर मतलब लिए एक हैं। लोग हैं बैठे हुए जो कह रहे हैं कि हमें इन इन बच्चों को आगे करना है, हमारा पैसा इसमें तो मुझे है, वो आर्चीज वाली जो मूवी आ रही है वो उसी याद आ रही उसी है। कॉन्सेप्ट में कि आप जो है एक स्टोरी बनवाइए जहां पे तुम्हारे बच्चे शाइन कर हमारे सकते हैं उसमें और उनको सारे लेके बच्चे जाइए। ये फैसिलिटी जो है साधारण इंसान के पास नहीं है, जो इंसान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ के आया है, जिसको ड्रामेटिक्स में बहुत ही टैलेंटेड है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामा कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो इंसान अमीर नहीं है। तो वो क्या करता है, जो जेन्युइन मूवीज बनती है, जेन्युइन मूवी में पहले एक स्टोरी आती है, फिर वो देखते हैं अच्छा इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट होगा, उसका ऑडिशन होता है, लोग आते हैं, फिर बोलते हैं देखो भैया तुम ही सूट करोगे क्योंकि इस कैरेक्टर में तुम बेस्ट लग रहे हो। वो एक तरीका होता है जो जेन्युइन सही तरीका होता है मूवी बनाने का, पहले स्टोरी आती है फिर आप चूज करते हैं कौन सा एक्टर उसको बेस्ट कर सकता है, और आपको लेना देना नहीं है इसमें क्योंकि आपका जो डायरेक्टर है वो इतना खड़ूस है कि उसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम किसके बच्चे हो, नहीं उसको है कि टैलेंट इस केस कौन। में अयान मुखर्जी और मैं बता रणबीर तो बड़े गहरे बेस्ट फ्रेंड्स मैं हैं इस मैं इस जेनरिक बात ऐसा कर रहा लगता हूं कि है। जेनरिक मूवी में जो ट्रू डायरेक्टर होगा कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा फादर कौन है, तुम्हारी मदर कौन है, अगर तुम ऑडिशन में पास होते हो बाकी लगता है कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें लूंगा, वो एक टाइप की मूवीज होती है। दूसरी टाइप की मूवीज होती हैं जिसमें आपको इतना पैसा है कि आप अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए मूवी क्रिएट कर देते नहीं, हैं। और ये अयान मुखर्जी की मैं जहां सोच रही हूँ बेसिकली जहां तक मुझे याद आ रहा है जितनी भी अयान मुखर्जी ने अपनी मूवी बनाई उसमें उसने रणबीर कपूर को ही लिया हुआ है, और रणबीर कपूर के साथ जनरली गर्ल्स कौन सी होती है जो उसकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड्स हुई होती हैं, तो वो ही लग रहा है कि भैया मूवी बनती है और उसके बाद एक्टर कौन बेस्ट फिट हो रहा है वो नहीं होता, रणबीर कपूर को ही उसमें डाला जा रहा है। अब मैं बताऊं कि मेरी सोच ठीक है, जितनी भी मोस्टली मैंने मूवीज जहां तक मुझे समझ में याद आ रही है उसमें यही यही था। एक समय पे लोग इतने सोचते नहीं थे मगर आजकल लोग बहुत, मतलब बहुत ही ढंग से सोचते हैं कि इस मूवी में
नहीं इस मूवी में तो मुझे भी फील हो रहा कौन था सा कि कैरेक्टर आया है, कैरेक्टर्स ये क्यों कैरेक्टर आया है, दो तीन किसने बनाई वीक लग है, रहे थे। किसने बनाई है और जो बनाने वाला है उसका क्या एजेंडा था, इस हिसाब से है। और ग्राफिक्स जो कह रहे हैं आपको कंपेयर करने पड़ेंगे सिमिलर बॉलीवुड मूवी से, हॉलीवुड से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इन्होंने अच्छा इसमें इन्होंने तो वो बात डिस्कस नहीं की कि शूज लेके मंदिर में गए हैं, अब ये तो फिर से ट्रेलर देख के आप भी बताना। और देखिए शूज जो है मंदिर में नहीं जाने चाहिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट की बात है कि आप जो है बिना किसी नंगे पैर ही आप जाते हैं, ये मंदिर की रिस्पेक्ट की बात है। और ये जो एक्टर ये कर रहा है उसको पता होना चाहिए जो बना रहे हैं। कुछ लोग अगर जिनको रिलीजन के बारे में नहीं पता है कुछ, अगर वो सोचते नहीं जी ऐसा है कि जूते गंदे होते हैं इसलिए हम अंदर नहीं लेके जाते, वो भी रॉन्ग है। ये एक प्रथा है कि आप रिस्पेक्ट के लिए जूते नहीं पहनते। आप भगवान के सामने सबसे मतलब ऐसे जाइए कि आप भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, तो आप साधारण कपड़े में जाते हैं भगवान के सामने, मैं आप भगवान हो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इसलिए आप उस तरीके खाली हाथ आप भगवान के सामने जाते हैं। क्योंकि अगर कोई आर्ग्यूमेंट रखे कि देखो भैया एक मैं ब्रांड न्यू शूज खरीदता हूं, ब्रांड न्यू, क्या कोई बंदा ब्रांड न्यू शूज पहन के आ सकता है? मतलब शूज जो है ब्रांड न्यू है, वही डब्बा खुलेगा मंदिर के अंदर, डब्बा खुल रहा है शूज का, आप जो घुसेगा पहन के आ सकता है? पॉइंट वो नहीं है, गंदगी का नहीं है पॉइंट, ये रिस्पेक्ट कि आप भगवान के सामने जा रहे हैं, आपकी क्या औकात है? आपकी कोई औकात नहीं भगवान के सामने, आप खाली हाथ जाइए भगवान के सामने, कुछ नहीं, नंगे पैर जाते हैं कि भगवान है वो, तो वो दूसरी बात है। तो काफी मतलब इन्होंने अपने तरीके से बोला, हर एक का अपना ओपिनियन है। कई लोग कहेंगे हमें बहुत अच्छी लगी, अच्छी बात है आपको अच्छी लगी, मगर लाइफ में जो इंसान बोलता है कि अच्छी अच्छी लगी वो हैप्पी गोइंग लकी इंसान है, बिंदास है, हाँ भाई ये भी अच्छा है, ये लाइटली लेता है, दैट इज गुड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं बहुत ही डीपली देखते हैं, बहुत ही सवाल उठाते हैं, वो डिफरेंट है आपके नेचर के हिसाब से। अगर आपको अच्छी लगी फैंटास्टिक, आगे बढ़िए, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो ठीक है। लाइफ में जिन लोगों को जो प्रश्न उठाते हैं लाइफ में वही चेंज लेके आते हैं। नहीं वैसे मेरा जब इन्होंने बोला ना तो मेरे को भी रियलाइज हो रहा है कि जब मैंने ये ट्रेलर देखा था और जिस टाइप से उन्होंने दिखाया कि उनके लोग अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं जो कब से उनको बचाने के लिए या कुछ उसके लिए हैं, और उस टाइप से जब वो खड़े होके और जैसे किया था तब मुझे वो ही मैं दिमाग में आया था कि हमने जो हॉरर मूवीज इतनी देखते हैं हॉलीवुड में, वो जब अपने गंदे जो होते हैं डीमंस और वो गंदी शक्तियों को जब बुलाना होता है हमेशा वो इसी टाइप से जो होते हैं मुंह पे ऐसे, इसमें तो नहीं दिखाया था ऐसे बड़े से वो पहने होते हैं और अपना मुंह ऐसे ढका होता है और ऐसे बुलाते हैं, फिर ऊपर से कोई लाइट आती है या कुछ होता है उस टाइप से, तो वो सीन मुझे लगा था। पर मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि अपनी कोई मॉडर्न मूवी बना रहे हैं। पर जब उनका ये ट्वीट देखा कि भैया हम हिंदू का कुछ हिंदू कल्चर का बड़ा मेन कुछ कर रहे हैं, मुझे तो इसमें वो कुछ दिखाई नहीं था। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मास्त्र एंड में ये है बॉस, अगर आपको अच्छी लगी बिंदास है, आगे बढ़ो, इसको नहीं अच्छी लगी रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी हिंदू, हर इंसान का कोई कल्चर की, हर इंसान का अपना नेचर है। और लोग जो क्योंकि हमें तो मुझे तो मतलब खुश मिजाज लोग हैं जो मस्ती में रहते हैं उनको सब मूवीज अच्छी लगती हैं, और जो थोड़ा गौर फरमाते हैं उनको जो है प्रॉब्लम नजर आती है। अब आप गौर फरमा के बताना प्रॉब्लम नजर आई कि नहीं, क्योंकि हमने तो खुश मिजाज से देखी थी तब मूवी का ट्रेलर। नहीं उस वक्त भी मैंने कहा था कि कुछ फील हर चीज में पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे बॉस। तो चलो आप ये शेयर करना अपने थॉट्स, तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।